तो हम चेक करेंगे इफ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो सबसे पहले हम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल यूज द फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इस पे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे टू एक्स माइनस थ्री. नाउ इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू की मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिक्स हो जाएगा. नाउ अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले टू एक्स दोनों साइड है, हम दोनों साइड टू एक्स को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे टू एक्स हमारे पास दोनों साइड प्लस का है. तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, हमने दोनों साइड टू एक्स माइनस कर दिया तो ये टू एक्स माइनस क्योंकि कट जाएगा प्लस माइनस होकर के. देन हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स. अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स सिक्स को प्लस कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो ये माइनस सिक्स से ये प्लस सिक्स कट जाएगा और ये प्लस सिक्स इस वन में एड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. अब क्योंकि हमारे पास एक्स की टू पावर टू है सो हम कहेंगे सिंस एक्स हैज पावर टू हैंस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन.